ऑनलाइन अध्यापन क्लासिकेट आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज का हमारा टॉपिक है क्लॉज क्लॉजेस। अब ये देखते हैं कि क्लॉजेस होते क्या हैं। ठीक है, व्हाट इज क्लॉज, व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब क्लॉज जो है सब्जेक्ट और वर्ब से बने हुए एक सेंटेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब जो हम मिला के बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एलिस ईट्स मैंगोज। अब यहाँ पे एक सेंटेंस हमारे सामने है कि एलिस जो है ईट मैंगोज, मतलब एलिस मैंगोज खाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एलिस। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या है, ईट मैंगोज। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के हमारा बनता है क्लॉज। चलो अब थोड़ा सा हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको परिभाषा दिखाई देगी। डेफिनेशन पहले इंग्लिश में देखते हैं। इफ देयर इज मोर देन वन सेंटेंसेस विच मेक्स अ लार्ज सेंटेंस एंड दी स्मॉल सेंटेंसेस हैव अ मेन वर्ब देन ईच सच सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। ठीक है, अब क्लॉज का मतलब क्या, मतलब एक बड़े वाक्य में कितने छोटे छोटे वाक्य बनाए जाते हैं। एक ही बड़े वाक्य में अगर आप देखेंगे तो कई छोटे छोटे वाक्य उसमें मिले रहते हैं जिनसे एक बड़ा वाक्य बना होता है। ठीक है, और इन वाक्यों की अपनी एक मुख्य क्रिया, ऐसे हम कहते हैं मेन वर्ब। तो ऐसे प्रत्येक वाक्य मतलब उस हर एक छोटे छोटे वाक्य को हम कहते हैं क्लॉज, जिसको हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य। अब कई उपवाक्य मिलके एक बड़ा वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं क्लॉज। एक मैरियम वेबस्टर जो है, एक अमेरिकन डिक्शनरी है, उसमें उसकी डेफिनेशन इस प्रकार दी गई है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, मैरियम वेबस्टर जो है एक अमेरिका की फेमस डिक्शनरी है, उसमें इसको भी सेम ऐसे ही डेफिनेशन उसका दिया गया है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब ऐसे शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं और फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उन सभी को मिला के जो सेंटेंस बनता है उसे हम कहते हैं क्लॉज। कुछ परिभाषा देखते हैं। आई क्विटेड माई जॉब लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब आप इसमें देखेंगे इसमें केवल एक सेंटेंस है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे वन क्लॉज सेंटेंस। When I went in the market, I drank the tea. Sorry, tea. जब मैं बाजार गया मैंने चाय पी। अब आप बीच में देखे दो सेंटेंस के बीच में एक कॉमा है, मतलब यहाँ पे दो क्लॉज है क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंस है, दो छोटे छोटे सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाया गया है। When I came here, I met my brother. अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कॉमा के थ्रू एक और सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है। जब मैं यहाँ आया तो मैं अपने भाई से मिला। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे इसमें भी दो क्लॉज सेंटेंस है। When I came here, I met my brother and he told me about the plan. अब देखिए यहाँ पे आपको तीन सेंटेंस दिख रहे होंगे। पहला सेंटेंस When I came here, दूसरा सेंटेंस I met my brother और तीसरा सेंटेंस एंड के थ्रू जोड़ा गया है He told me about the plan. ऐसे करके यहाँ पे तीन सेंटेंस दिए गए हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं हम लोग थ्री क्लॉज सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे तीन सेंटेंस को मिलाकर एक बड़ा सेंटेंस बनाया गया है। तो जैसा कि हमने परिभाषा में देखा है कि छोटे छोटे वाक्य जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे तीन छोटे छोटे उप वाक्य को मिला के एक बड़ा वाक्य बनाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डेविड टोल्ड मी दैट ही हैज पास्ड इन एग्जाम। डेविड ने मुझे बताया कि वह परीक्षा में पास हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम देखते हैं दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है डेविड टोल्ड मी, ठीक है, और दैट के द्वारा दूसरे सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है। ही हैज पास्ड इन एग्जाम, वो एग्जाम में पास हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज द न्यूज दैट देयर इज द मिशअप इन द पार्टी। अब यहाँ पे भी आप देखो दो सेंटेंस जोड़े गए हैं। इट इज द न्यूज एंड दैट के थ्रू दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया गया है देयर इज द मिशअप इन द पार्टी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे देखें कि हर एक जगह पे जहां भी दो वाक्य जोड़े गए हैं, चाहे व्हाट के थ्रू, दैट के थ्रू या देयर के थ्रू, तो वो सभी जो है वो छोटे छोटे क्लॉज है। रीड द मैसेज व्हाट दे सेंट यू। अब देखो यहाँ पे व्हाट के थ्रू जोड़ा गया है। रीड द सेंटेंस एक क्लॉज हुआ एंड
वॉट दे सेंट यू, वॉट करके यहाँ पे दूसरे सेंटेंस को जोड़ दिया जाए, तो ये भी कैसा सेंटेंस है, टू क्लॉज सेंटेंस। अब आगे देखते हैं बच्चों कि इस क्लॉज के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉज के दो प्रकार पाए जाते हैं, पहला है प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं, और दूसरा है सबॉर्डिनेट क्लॉज जिसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको एक बात थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रधान उपवाक्य मतलब ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। दूसरा है सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और आश्रित, आश्रित का मतलब समझ गया होगा, आश्रित मतलब किसी पे डिपेंड रहने वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और हिंदी में आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं, ठीक है। चलो एक एक करके हम परिभाषा के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, किसी सेंटेंस में वह क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं होता, मतलब ऐसा सेंटेंस जो किसी और सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता, जिसका पूरा अपना पूर्ण अर्थ हो, उसका अपना मतलब एक वाक्य में पूरा अर्थ छिपा हो और उसे कंप्लीट करने के लिए किसी और सेंटेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ऐसे क्लॉज में उसकी अपनी मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है, वो खुद एक मुख्य क्रिया से होता है, इसलिए इसको किसी और सेंटेंस को जोड़ने की या उसे कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, राम सेड दैट श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी। अब यहाँ पे देखो राम सेड दैट, इस वाक्य में राम ने कहा प्रिंसिपल क्लॉज, राम ने कहा मतलब राम सेड, अब एक कंप्लीट वाक्य कि राम ने कहा, ठीक है। अगर आप इसके अंदर और उपवाक्य जोड़ते हो तब ये बन जाएगा सबॉर्डिनेट क्लॉज। एक इसमें देखो आपको दो सेंटेंस दिख रहे होंगे, राम सेड दैट श्याम इज वर्किंग इज एन ऑयल कंपनी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो वाक्य अपने आप में अलग अलग है, राम सेड और दूसरा श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी, ये अपने आप में ही दोनों कंप्लीट सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आई लाइक बनानास एंड आई लाइक ग्रेप्स। अब यहाँ पे दो सेंटेंस देखो दिए गए, आई लाइक बनानास एंड आई लाइक ग्रेप्स। अब बच्चों आप देख रहे होंगे दोनों जो सेंटेंस है वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। आई लाइक बनानास में मेन क्लॉज है और आई लाइक ग्रेप्स भी एक मेन क्लॉज है, जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस है, आफ्टर शी पिक्स मी अप मॉम इज टेकिंग मी टू बाय शूज, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखेंगे आप कॉमा के थ्रू दो वाक्यों को जोड़ा गया है, ठीक है। आफ्टर शी पिक्स मी अप, अब ये आप सेंटेंस देखोगे तो अपने आप में इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसमें ये कंप्लीट आपको नहीं दिखी है कि आफ्टर शी पिक्स मी अप, तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, मतलब इसको किसी और वाक्य की जरूरत है कंप्लीट होने के लिए, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे सेंटेंस देखते हैं, मॉम इज टेकिंग बाय टू बाय शूज, मॉम इज टेकिंग मी टू बाय शूज, माँ मुझे अपने साथ ले गई शूज खरीदने के लिए, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसके लिए इसको हम कहेंगे मेन क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस वेयर आई लिव्ड एज अ चाइल्ड स्मॉल चाइल्ड, मैं सबसे पहले उससे पेरिस में मिला था, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको कंप्लीट होने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा है वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल, अब ये देखो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए एक मेन क्लॉज की जरूरत हमें पड़ेगी, और वेयर के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है, वेयर बीच में लगा दिया गया है और इसके थ्रू क्या हो गया, दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो गए, इसे इसको कनेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आगे का वाक्य है, वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस वो एक मेन क्लॉज है, मतलब इसको कंप्लीट होने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, व्हाइल शी स्लेप्ट लूसी स्नोर्ड, जब वो सोती है तो वो स्नोर्ड करती है, मतलब खर्राटे लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लूसी स्नोर्ड, अगर आप खाली लूसी स्नोर्ड को देखते हो तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मेन क्लॉज है ये, इसको कंप्लीट होने के लिए और किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ सेंटेंस हम देखते हैं व्हाइल सी स्लेप, अब इसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि इसको कंप्लीट होने के लिए एक और सेंटेंस की जरूरत है,
आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है सबॉर्डिनेट क्लॉज के नीचे लिखा है आई नीड यू मेन क्लॉज, मुझे मेन क्लॉज की जरूरत है। और क्यों जरूरत है? कंप्लीट होने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनने के लिए मुझे मेन क्लॉज की जरूरत है। और मेन क्लॉज के नीचे क्या लिखा है? यू कांट राइट सेंटेंस विदाउट मी, मतलब मेन क्लॉज के बिना हम किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है। चलो दूसरा आप उसका प्रकार देखते हैं हम लोग, सबॉर्डिनेट क्लॉज। अब डेफिनेशन थोड़ा उसमें देख लेते हैं, अभी हमने खाली एग्जांपल के थ्रू समझा, अब हम उसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। सबॉर्डिनेट क्लॉज, किसी सेंटेंस में वह क्लॉज जिसका अपना अर्थ पूर्ण नहीं होता और किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर होता है। जैसा कि हमने देखा एग्जांपल में कि सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होती, उनका मीनिंग नहीं निकलता कुछ, और उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए उन्हें किसी और क्लॉज की जरूरत पड़ती, मतलब एक और उपवाक्य की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे क्लॉज को हम कहते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज अधिकतर दैट, इफ, व्हेन, सिंस, बिकॉज आदि से आरंभ हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जब एक मेन क्लॉज में आप दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज ऐड करते हो तो उसको ऐड करने के लिए आपको इफ, व्हेन, सिंस, बिकॉज, दैट, व्हाट, ये सब वर्ड को यूज करना हो। इसके थ्रू आप क्या करते हो, उसको कनेक्ट कर देते हो। एग्जाम्पल में देखते हैं, राम सेड दैट श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी। अब यहाँ पे एक वाक्य जो लिखा है राम सेड दैट, दैट के थ्रू यहाँ पे देखो सबॉर्डिनेट क्लॉज को एड किया गया है। That Shyam is working is an oil company, ये subordinate clause है, और Ram said ये एक main clause है, क्योंकि main clause के through subordinate clause को क्या किया गया है, join कर दिया गया है, और इस join करने से ये एक complete sentence बन गया है। बच्चों हमें इतना ध्यान रखना है कि जब तक हम subordinate clause में main clause को add नहीं करते वो sentence जो है meaningful नहीं बन सकता। तो उसको meaningful बनाने के लिए हमें मेन क्लॉज के साथ साथ सबॉर्डिनेट क्लॉज के साथ हमें मेन क्लॉज को भी डालना होगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में एक बार फिर से देख लेते हैं, राम सेड, अब राम सेड जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस है, वो एक मेन क्लॉज है, और श्याम इज वर्किंग इन एन ऑयल कंपनी, वो अपने आप में एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें उसको दैट के थ्रू उसको जोड़ना होगा। दैट लगा दिया हमने तो वो एक सबॉर्डिनेट क्लॉज बन गया। अब आगे देखते हैं बच्चों की सबॉर्डिनेट क्लॉज के, जैसा कि हमने पहले देखा जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इनका कोई प्रकार नहीं होता। ठीक है, इसका कोई प्रकार नहीं पाया जाता, लेकिन जो हमारा दूसरा प्रकार है मतलब सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है उसके यहाँ पे तीन प्रकार पाए जाते हैं। पहला है नाउन क्लॉज जिसको कहते हैं संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज जिसे हम कहते हैं विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज जिसे और कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। बच्चों आप लोगों ने संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण ये सब चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ी होंगी। पहला देखते हैं नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज क्या होता है, एक डेफिनेशन देखते हैं इसका। वह सबॉर्डिनेट क्लॉज जो नाउन की तरह कार्य करता है उसे नाउन क्लॉज कहते हैं, मतलब वो सेंटेंस जो एक नाउन की तरह काम करे, मतलब उसमें मेन नाउन हो और नाउन की तरह काम करे, तो उसे हम कहते हैं नाउन क्लॉज। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, टेल मी हु लेफ्ट हिज बैग इन द क्लास। अब यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हो, टेल मी हु लेफ्ट हिज बैग इन द क्लास। अब यहाँ पे पूछा गया कि किसने क्लास में बैग छोड़ा है मुझे बताओ। ठीक है, तो ये एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है अब आप तो देख रहे होगे नाउन यहाँ पे कौन सा है, तो नाउन जो है वो एक कंप्लीट उसके क्लॉज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नाउन क्लॉज लगाया गया है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको, जैसे डेफिनेशन हमने देख लिया, अ क्लॉज विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज का मतलब हमने जाना है कि सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के क्लॉज बनता है, दैट फंक्शंस एज अ नाउन। लेकिन वहां पर जब वो नाउन के द्वारा काम करे, नाउन के संबंध से काम करे, तो उसको हम लोग नाउन क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वॉट एवर यू विश इज माई कमांड। अब यहाँ पे देखो यू क्या है, सब्जेक्ट है, और विश क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस वॉट एवर यू विश ये एक नाउन क्लॉज बन जाता है, इसके लिए इसको हम लोग नाउन क्लॉज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नाउन क्लॉज के रूप में काम कर रहा है।
इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई नो वेयर द ट्रेजर इज. अब आप समझ गए होगे, आपको सब्जेक्ट है द ट्रेजर और इज वर्ब है, ठीक है. और ये कंप्लीट सेंटेंस वेयर द ट्रेजर इज एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लॉज है वो नाउन के रूप में काम कर रहा है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर हम लोग नाउन क्लॉज लगाते हैं. अब दूसरे बच्चे देखो, हमारा दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा प्रकार है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे हम विशेषण उपवाक्य भी कहते हैं. वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, अर्थात एक क्लॉज दूसरे क्लॉज में आने वाले नाउन या प्रोनाउन की. आप लोग सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम वही है कि एक क्लॉज जब दूसरे क्लॉज में आने वाले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, द पेन विच हैज अ येलो कैप इन माइन, वो पेन जिसका येलो ढक्कन है, येलो कैप है, वो मेरा है, ठीक है. एक एग्जाम्पल के थ्रू और देखते हैं इसको हम लोग. द रैट दैट जॉन सॉ सैटरडे यस्टरडे वॉज इन द किचन अर्ली. अब यहाँ पे देखो, रैट जो है हमारा मेन वर्ब, वो है नाउन है, ठीक है. अब उस नाउन की क्या विशेषता बताई जा रही है कि दैट जॉन सॉ यस्टरडे, मतलब वो रैट जो कि नाउन है उसे जॉन ने यस्टरडे देखा था. अब यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो दैट मतलब नाउन के लिए रखा गया है. बार बार हम लोग रेड रेड करेंगे तो वो सेंटेंस जो है वो हमें थोड़ा सा ऑड लगने लग जाएगा. जैसे हमने यहाँ पे रेड की जगह पे दैट लगा दिया, एक बार रेड लिखा है, दूसरी बार में हमें यहाँ पे डॉट दैट लगा दिया है जो कि प्रोनाउन है, ठीक है. जॉन सॉ, जॉन सब्जेक्ट है और उसका वर्ब है सॉ. जॉन ने देखा यस्टरडे रेड को कहाँ पे, किचन में, ठीक है. तो यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है, एक रैट के बारे में, एक चूहे के बारे में दी जा रही है. इसके लिए चूहा जो है यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है. तो वो नाउन की विशेषता यहाँ बताई जा रही है कि उसे देखा गया कल किचन में. तो इसके लिए यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव क्लॉज. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. द ट्रैम हु क्लेम टू हैव अ लिम स्प्रिंटेड आफ्टर द बस. अब एक ट्रैम मतलब एक फ्रॉड, ट्रैम एक फ्रॉड भी होता है, फ्रॉड व्यक्ति जो कह रहा था कि वो चल नहीं सकता, वो अब बस के पीछे भाग रहा है. जो पहले कह रहा था कि वो चल नहीं सकता, स्प्रिंटेड आफ्टर द बस, वो बस के पीछे इस समय भाग रहा है, ठीक है. अब हु जो है यहाँ पे प्रोनाउन पे यूज कर रहा है, ट्रैम के बारे में बता रहा है जो कि प्रोनाउन है. एंड सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट एंड वर्ब यहाँ पे है क्लेम, और हु है जो वो भी सब्जेक्ट है, ठीक है. तो ये पूरा इंफॉर्मेशन किसके बारे में बताया जा रहा है, उस फ्रॉड के बारे में जिसको यहाँ पे ट्रैम्प कहा गया है. ट्रैम्प के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसके लिए ट्रैम्प जो है यहाँ पर नाउन है. ओके, अब हमारा थर्ड एग्जांपल, थर्ड प्रकार जो है एडवर्ब क्लॉज. सभी जानते हैं एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, ठीक है. तो जैसा कि हम लोग इसमें डेफिनेशन में समझ सकते हैं, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला, वर्ब की डिफाइन करने वाला, वर्ब की विशेषता बताने वाला. तो इसका एग्जांपल देखते हैं. वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एडवर्ब की तरह काम करता है, अर्थात एक क्लॉज दूसरे क्लॉज में आने वाली वर्ब की विशेषता बताता है, मतलब क्रिया की विशेषता बताता है, उसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, ही मे कम व्हाटएवर ही वांट, व्हेयरएवर ही वांट, ठीक है. वह जब कभी भी चाहे आ सकता है. He may come whenever he want, मतलब वो जब चाहे यहाँ पर आ सकता है. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. एक बार डेफिनेशन फिर से हम देखते हैं. A group of words that function as an adverb and that contains a subject and verb, ठीक है. सब्जेक्ट और वर्ब कंटेन उसमें होता है, और वो एडवर्ब जो उसकी विशेषता बताता है वर्ब की. एग्जाम्पल देखते हैं. When the sun rises, we will escape. जब सन राइज हो जाता है तो वी विल एस्केप. अब यहाँ पे सन क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब ये पूरा जो विशेषता किसकी बारे बता रहे हैं, सन के बारे में बता रहे हैं. और क्या विशेषता है, क्या इसका वर्ब है, मतलब कौन सी क्रिया कर रहा है, वो राइज होने की क्रिया कर रहा है, ठीक है. तो ये पूरा जो है एडवर्बियल क्लॉज है, मतलब यहाँ पे विशेषता बताई जा रही किसकी, वर्ब की, कि सन जो है नाउन है, सब्जेक्ट है, और उस क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है. और उसके राइज होने से क्या हुआ, वी विल स्केप, ठीक है. तो ये तीन प्रकार हमारे थे.
फिर से एक बार हम देख लेते हैं तीनों प्रकारों को। फर्स्ट हमारा था नाउन क्लॉज, ठीक है, जो नाउन, जो ऐसा क्लॉज जो नाउन के रूप में काम करता है। दूसरा हमारा है एडजेक्टिव क्लॉज, ऐसे क्लॉज जो कि एक दूसरा क्लॉज एक क्लॉज के बारे में विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की उसकी विशेषता बताता है, उसकी कैटेगराइज करता है उसको, तो उसको हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और तीसरा हमारा प्रकार है बच्चों, वो है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज मतलब वहां की वर्ब की विशेषता प्रकट करता है, उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। और थोड़े से हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको देखते हैं हमारे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज के कितने प्रकार होते हैं, और उसमें भी जैसा क्लॉज हमने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं वो क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो हमने दो प्रकार देख लिए, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज जो होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होता है, तो उसके कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसके तीन प्रकार पाए जाते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। बच्चों आपको जो लैंग्वेज स्टडी हमारा जो सेक्शन होता है, सेक्शन वन में जो लैंग्वेज स्टडी होता है, उसमें हमें ऐसे क्लॉज पूछा जाता है, ठीक है। आपको सेंटेंस दिया जाता है और आगे लिखा जाता है एड अ क्लॉज। जैसे यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया जाए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको पांच सेंटेंस दिए, तो एग्जाम में ऐसे ही आपको ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे, कोई एक सेंटेंस, और उस सेंटेंस को आपको लिखा जाएगा एड अ क्लॉज, मतलब क्लॉज लिख के उसको क्या करो, कंप्लीट करो। इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आई डोंट नो व्हाई, व्हाई यहाँ पे लिखा गया लास्ट में, वर्ड हार्ड इफ लिखा गया है, जेम्स फेल्ट श्योर दैट, यहाँ पे लास्ट वर्ड दैट है, इट इज स्ट्रेंज दैट, यहाँ पे भी दैट लगाया है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि व्हाई इफ दैट ये जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को एड करने के लगाए गए, क्योंकि इसके आगे हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज करना है। चलो इसके आंसर देखते हैं बेटा, आई डोंट नो व्हाई शी इज एंग्री विथ मी, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप और भी जो आपको मन में आता है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है, आई डोंट नो व्हाई शी इज एंग्री विथ मी, मुझे नहीं पता कि वो क्यों मुझसे नाराज है, ठीक है। सेकेंड हमारा वर्ड था आई डोंट नो व्हाई शी इज लेट, अब इसी में हमने दूसरा भी ऐड किया है, पहला मैंने लिख दिया कि शी इज एंग्री विथ मी, और दूसरा हम डाल सकते हैं कि आई डोंट नो व्हाई शी इज लेट, मतलब आप उसमें कोई भी सेंटेंस ऐड करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमारा था वर्क हार्ड इफ यू वांट टू विन, सॉरी यहाँ पे वर्क आना चाहिए, वर्क लिख दिया, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू विन, मतलब अगर आपको जीतना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये हमारा जो आगे हमने वर्ड ज्वाइन कर दिया है सेंटेंस यू वांट टू विन, आप इसके आगे और भी कुछ लिख सकते हैं, और भी सेंटेंस आप ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सेस, इफ यू वांट टू पास, तो ये आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। जेम्स फेल्ट श्योर दैट मैरी वुड कम, अब जेम्स को एकदम श्योर फीलिंग थी कि मैरी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैरी वुड कम की जगह दूसरे कोई वर्ड सेंटेंस भी लगा सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप कोई भी सेंटेंस एड करके उसको कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड बिहेव सो, इट इज स्ट्रेंज दैट, अब यहाँ पे हमारा आधा सेंटेंस था इट इज स्ट्रेंज दैट, अब इसे हमें क्या करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा के कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ही शुड बिहेव सो, बच्चों आप यहाँ पे और भी कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको कुछ वैसे ही लिखना है, लेकिन ऐसे आपको सेंटेंस लगाने हैं जो कि अपने आप एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए, मतलब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए, ऐसे सेंटेंस आपको लगाने हैं, मीनिंगफुलेस सेंटेंस आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो आपको बनाना है एकदम मीनिंगफुल सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा है आई विल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश ड्रेसिंग, आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका वेट करूंगा टिल यू फिनिश ड्रेसिंग, तक आप तैयार होकर आने जाते, ठीक है। यहाँ पे आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो, I will wait for you till you come, till you eat, तो आप कुछ भी यहाँ पर एड करके अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़े से और देखते हैं, यहाँ पे हमने एडजेक्टिव क्लॉज लगाया है कि एडजेक्टिव क्लॉज को आप कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस है I know of a sweeper boy,
हूज लुकिंग फॉर वर्क, मैं ऐसे एक स्वीपर बॉय को जानता हूं जो जॉब की तलाश कर रहा है, जिसे जॉब चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक हु इज लुकिंग फॉर वर्क, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज हमने बना दिया है। फिर दूसरा है, आई नो ऑफ अ स्कूल बॉय हु इज वेरी स्मार्ट। देखो, स्वीपर बॉय की जगह खाली हमने स्कूल बॉय कर दिया और हमने दूसरा सेंटेंस इसमें ज्वाइन कर दिया, हु इज वेरी स्मार्ट। अब देखो, ये इसकी विशेषता बता रहा है, नाउन क्या है यहाँ पे, बॉय। अब बॉय की विशेषता क्या बता रहा है, कि वो कैसा है, स्मार्ट है। फिर है, आई नो ऑफ अ जोक विच इज वेरी फनी और दैट इज वेरी फनी। अब यहाँ पे जोक क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, अब जोक कैसा है, वेरी फनी, वो विशेषता बता रहा है जोक की, कि जोक कैसा है, वेरी फनी है, बहुत ही मजेदार है। आई नो ऑफ अ डॉक्टर हु इज वेरी काइंड और फेमस। अब यहाँ पे एक डॉक्टर की विशेषता बता रहा है, कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो कि बहुत दयालु है और बहुत ही फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है। तो डॉक्टर हमारे यहाँ पे नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, बहुत ही दयालु है और फेमस है। आई नो ऑफ अ प्लेस विच इज फेमस फॉर पिकनिक और विच पीपल गो फॉर अ पिकनिक। अब यहाँ पे एक प्लेस के बारे में बता रहा है, उस प्लेस की विशेषता क्या बता रहा है, कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जो कि पिकनिक के लिए बहुत फेमस है, या फिर जहां पर लोग पिकनिक के लिए जाते हैं। एकदम देखो, एकदम छोटे छोटे वर्ड यूज करके सेंटेंस बनाया गया है, कोई भी हार्ड वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया है, कोई भी लेंदी वर्ड नहीं किया, सेंटेंस एकदम इजी है, आप उसको इजीली प्रिपेयर करके बना सकते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट है, आई नो द रीजन व्हाई यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क। मैं जानता हूं कि मैं वो कारण जानता हूं कि क्यों तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, क्यों तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। ठीक है, अब वो रीजन बता पूछा जा रहा है कि आपको रीजन, तो रीजन की उससे विशेषता क्या बताई, कि मैं वो रीजन को जानता हूँ कि क्यों तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। तो बच्चों देखो, हमारे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, कि आपको ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन आपका रहेगा एड अ क्लॉज। अब आप एड अ क्लॉज में कोई भी एडवर्ब क्लॉज लगाओ, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज लगाओ, चाहे वहां पर नाउन क्लॉज लगाओ, आप कोई भी क्लॉज यूज करके यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबका नाम देख के दिखाया गया है, इनफ हैज बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। वॉरियर मतलब योद्धा और कॉन्कर्ड का मतलब होता है जीतने वाला। ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया उस योद्धा के बारे में जिसने कि पूरे विश्व को जीता था। ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, आपको समझ गया होगी कि एक विशेषता बता रहा है, मतलब ये कौन सा क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे उस योद्धा की विशेषता बताई जा रही है, योद्धा कैसा है, योद्धा जो जिसने पूरे विश्व को जीता था। सेकेंड है, द मेल बॉक्सर काइंडली प्रैक्टिस विथ मी वेन एवर आई रिक्वायर देम। जो मेल बॉक्सर होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं जब मुझे जरूरत, जब मैं उनको बुलाता हूँ, जब मुझे जरूरत होती है तब वो प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है, मतलब प्रैक्टिस की विशेषता बता रहे हैं। क्या विशेषता बता रहे हैं, कि प्रैक्टिस करते हैं, और कब करते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, आई थिंक दैट मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स को अपने एक करियर के रूप में यूज करते हैं, या फिर करियर के रूप में चाहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा हो गया नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन यहाँ पे पूरा संज्ञा बताई गई है। किस कौन सी संज्ञा बताई गई है, कि दैट मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर। स्पोर्ट्स को वो एक करियर के रूप में लेना चाहते हैं। फिर दूसरा है, डू यू थिंक दैट न्यूट्रिशन इज अ निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स। क्या आप ये बात मानते हैं कि न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिकता, पौष्टिकता को इंडियन स्पोर्ट्स में निग्लेक्ट किया जाता है, मतलब नजरअंदाज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक नाउन को क्लासिफाई किया जा रहा है, नाउन के बारे में बताया जा रहा है, कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि हमारे देश में, इंडिया में, या जो न्यूट्रिशन होता है, जो मेन पॉइंट होता है स्पोर्ट्स का, उसको निग्लेक्ट किया जाता है। थोड़ा सा दो तीन एग्जाम्पल और देख लेते हैं बच्चों। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी।
अब यहाँ पे आपको सबऑर्डिनल क्लॉज के बारे में पूछा गया है कि आप लोग सबऑर्डिनल क्लॉज को कैसे, जैसे हमने इस सेंटेंस में देखा, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज हमने बता दिया, नाम सभी क्लॉज का बता दिया। एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पे सबऑर्डिनल क्लॉज क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है जहाँ पे हु हुआ, व्हेनेवर हुआ, दैट हुआ, व्हाई हुआ, जब यहाँ से सेंटेंस शुरू होते हैं तो वो जो यहाँ से शुरू होने वाले सेंटेंस ही सबऑर्डिनल क्लॉज कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि अंडरलाइन द सबऑर्डिनल क्लॉज एंड स्टेट टाइम, मतलब आपको सबऑर्डिनल क्लॉज का अंडरलाइन भी करना है और एज वेल एज आपको उनका नाम भी बताना है। ठीक है, जैसे हमने पहला देख लिया कि वो क्या था, एक विशेषता बता रहा था, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब यहाँ पे प्रैक्टिस की विशेषता बता रहा था, मतलब उसकी क्रिया जो थी उस क्रिया की विशेषता बता रहा था, इसलिए यहाँ पे हो गया एडवर्ब क्लॉज, और बाकी नीचे के जो थे वो नाउन थे, इसके लिए यहाँ पे हमने लिखे नाउन क्लॉज। ऐसे यहाँ पे भी है, दैट इज बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी, वो सबसे अच्छी चीज थी जो मेरे साथ घटी थी। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। कैसे एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, क्योंकि उस बेस्ट थिंग की विशेषता बता रहा है, उस चीज की विशेषता बता रहा है कि जो सबसे बेस्ट थी। ठीक है, तो अंडरलाइन करने के लिए कहा जाएगा, तो दैट से शुरू होने वाले के बाद जो सेंटेंस होगा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सिक्स पॉइंट है, इंडिया मैंने जस्ट 3 मेडल्स इन 2012 ओलंपिक्स। अब यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस बन गया, मतलब ये हमारा मेन क्लॉज बन गया है, इंडिया मैनेज जस्ट 3-6 मेडल्स इन 2012 ओलंपिक्स, इवन दो वी आर अ नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। यद्यपि हमारी जनसंख्या कितनी है, 1.3 बिलियन, तो इसलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्वेश्चन क्या है, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब आपको देखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ से शुरू हो रहा है, तो जहां से आपका मेन क्लॉज खत्म हो गया उसके बाद से इवन लगा है, तो इवन के बाद का जितना भी सेंटेंस है वो पूरा आपका आ जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्यों बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहे हैं, एडवर्ब बता रहे हैं कि हमारे देश की इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें सिर्फ 2012 के ओलंपिक में 6 मेडल मिले थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज। फिर अब यहाँ पे भी सेम आपको बच्चों एग्जाम्पल दिए गए हैं और उसके प्रकार बताए गए हैं, द ज्यूरी बिलीव दैट, क्योंकि जितना हम एग्जाम्पल देखेंगे, जितना आप उदाहरण देखोगे उतना आपको इजीली समझ में आएगा। आपको ये भी समझ में आ सकता है आएगा कि किस प्रकार हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपको आइडेंटिफाई करने दिया जाए तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, एड क्लॉज देंगे तो आप एड भी कर सकते हो। ये मेन हमारी जो चीजें हैं वो हमें समझना जरूरी है कि क्लॉज होता क्या है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि क्लॉज क्या होता है, छोटे छोटे वाक्य जो होते हैं, एक बड़े वाक्य को बनाने में जो छोटे छोटे वाक्य यूज किए जाते हैं जिसको उपवाक्य भी कहते हैं, बस वही हमारे क्लॉज है। ठीक है, हमने क्लॉज के 2 प्रकार भी देख लिए और उन प्रकारों के उप प्रकार भी हमने यहाँ पर देख लिए। और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, द ज्यूरी बिलीव दैट द मैन वॉज गिल्टी। अब ज्यूरी मतलब जो जज होते हैं उनको ज्यूरी कहते हैं, ज्यूरी ने बिलीव कर लिया है कि इसी आदमी ने गलती की है। ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज, मतलब नाउन है यहाँ पे। कम व्हेन यू लाइक, कम, अब यहाँ पे कम जो है वो एडवर्ब की यूज हुआ है, जब भी जब तुम चाहो आ सकते हो, तो यहाँ पे हो गया एडवर्ब। अब आपने जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो उसमें सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, एडवर्ब क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। आई नो द गर्ल, बच्चों ये क्लॉज समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएगा, नहीं समझोगे आप, तो आपको ये क्लॉज समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए सबसे पहले आपको क्लॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है। आई नो द गर्ल हु वॉन द प्राइज, अब देखो सीधा सीधा हमें समझ में आ गया कि आई नो द गर्ल हु, मतलब उस गर्ल की विशेषता बता रही है कि क्या उसने किया है, हु वॉन द प्राइज। अब आप समझ गए हो कि यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि नाउन जो है गर्ल है और गर्ल की विशेषता क्या बता रहे हैं कि उसने प्राइज जीता है। He confessed that he was guilty. उसने confess किया कि वो guilty है, मतलब उसने गलती की है। यहाँ पे हम समझ गए कि ये क्या है, noun clause है। I know you have great regard for me. Sentence के आधार पे आप समझ गए होगे यहाँ पे noun clause है, क्योंकि यहाँ पे noun का I know you, मैं आपको जानता हूँ, have great regard for him, कि आप उसके बारे में बहुत ज्यादा regard करते हो, सोचते हो।
डू यू थिंक दैट आई एम अ फूल, क्या आप सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं? ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि ये क्या है, नाउन क्लॉज है. बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू सी वेनिस, मैं मरने से पहले वेनिस देखना चाहता हूँ. वेनिस आपको पता है एक इटली का शहर है जो कि पानी पर स्थित है. हमने नाइन्थ में अपने इसमें पढ़ा होगा, नाइन्थ के स्थूल वाचन मराठी में. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि बिफोर आई डाई, मैं मरने से पहले एक बार वेनिस को देखना चाहता हूँ. ठीक है, बिफोर आई डाई, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज यूज किया गया है. द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड. अब देखो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, द हैंड की मतलब इन हाथों की विशेषता बताई जा रही है, तो इसके लिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है. आई नो अ बॉय हूज फादर सर्व्स इन द आर्मी, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके पापा जो है आर्मी में काम करते हैं. ठीक है, अब हमने यहाँ पे देख लिया कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, उस लड़के की विशेषता बता रहे हैं. I will not go until he arrives. मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि वो नहीं आता. यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज आ गया. द कॉफी मेकर दैट आई बॉट फॉर माई वाइफ इज एक्सपेंसिव. अब कॉफी मेकर मतलब यहाँ पे विशेषता बता रहे कि मैंने जो कॉफी मेकर अपनी वाइफ के लिए लाया वो कैसा है, महंगा है. यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, कॉफी मेकर, इसके लिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है. यहाँ पे आपको एक उसके लिए दिया गया है कि आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यहाँ पे क्लॉज यूज किया गया है, वो आपको यहाँ पर बताना है. ठीक है, अंडरलाइन करना है. कॉपी दिस सेंटेंस इनटू योर लाइब्रेरी बुक एंड अंडरलाइन द मेन क्लॉज. अब आपको इसमें मेन क्लॉज को अंडरलाइन करना है बच्चों, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है. ये तो आप ये बता भी सकते हैं, इसमें छोटे छोटे होमवर्क आपको दिए गए हैं. यहाँ पे दो चीजें, पहले आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, मेन क्लॉज को अंडरलाइन करना है. और हमने देख लिया है कि मेन क्लॉज मतलब क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस. तो वो आपको खाली, इसके पहले हमने जितने भी एक्सरसाइज देखे थे उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करने के लिए कहा था, लेकिन अब हमें यहाँ पे करना है मेन क्लॉज को अंडरलाइन. ठीक है, तो मेन क्लॉज आपको देखना होगा कि क्या है. तो देखो फर्स्ट वाला जो चार पांच दिए गए हैं उसमें आपको मेन क्लॉज बताना है, और नीचे के जो पांच दिए हैं उनमें आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज बताना है. तो इसके थ्रू आप समझ सकते हो. अब ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजीली ये चीज क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी. ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं. व्हाइल लुकिंग थ्रू द विंडो सोफी सॉ द बीएफजी. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें मेन क्लॉज कौन सा है. Tom saw the maid when she came through the door. Grandma said I could go out to play if I finished my homework. Although I was late, scene was the film. Mrs. Smith got the paper when he was on the train. ठीक है, अब आपको बताना है इसमें कि main clause कौन कौन से हैं. आप बात शायद सब समझ रहे हो कि आपने गेस कर लिया होगा किसने मेन क्लॉज कौन कौन से है. ठीक है, अब नीचे के सेंटेंस देखते हैं. व्हेन ही हैड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस ली सेट डाउन. ठीक है, ली सेट डाउन. शी फेल्ट सैड व्हेनेवर ही सॉ द पिक्चर. जब वो पिक्चर देखती तो सैड हो जाती है. इफ यू ईट ऑल योर डिनर यू कैन हैव एन आइसक्रीम. स्टीवन was brushing his teeth while his sister was brushing her hair. फिर है रेहान got a prize although he was lost in the race. ठीक है, अब आपको इसमें बताना है subordinate clause और आपको बताना है main clause. ठीक है, आपको सिर्फ underline करना है. और second हमारा जो homework है वो है add a clause. आपको add करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले exercise में देखा था. एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ. ये जो हमारा था add a clause. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि आपको हाफ सेंटेंस दिया जाएगा और आपको हाफ सेंटेंस में क्लॉज ऐड करना है. सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको ऐड करके उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है. ठीक है, तो उसी प्रकार आपका जो ये होमवर्क दिया गया उसमें भी आपको क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है. नोबडी थॉट, आपको थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ. नोबडी थॉट मतलब कोई सोच नहीं सकता. स्वामी इज द किड, स्वामी वो बच्चा है. अब आपको उसकी विशेषता बता सकते हैं.
वी सॉ अ स्मॉल ट्री, हमने एक छोटा सा पेड़ देखा. आर पेरेंट्स वर एंग्री, हमारे माता पिता जो है वो गुस्सा हो गए हैं. ही डिसाइडेड, उसने सोचा, दैट्स द बेस्ट थिंग, वो सबसे अच्छी चीज थी. आई नो अ प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूँ. आई नो अ डॉक्टर, मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे आप एड करके उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो. अब आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज यूज करना है और उसके साथ में आपको ध्यान में रखना है कि इफ, दैट, हु, वेयर, ये सब वर्ड यूज करके आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज एड करना है. ठीक है, तो एग्जाम में बच्चों हमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन या तो फिर इस तरह के क्वेश्चन. अंडरलाइन करना होगा या तो फिर आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा या फिर आपको एड अ क्लॉज करना होगा. ठीक है, तीन तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. आई होप बच्चों आपको लेसन समझ में आया होगा. चलो एक बार हम फिर से थोड़ा सा वो कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं. क्लॉज, क्लॉज बेटा जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे वाक्यों को, उन छोटे छोटे वाक्य को मिला के जब हम एक बड़ा वाक्य हम बनाते हैं तो उन्हीं छोटे वाक्यों को ही हम कहते हैं क्लॉज. हिंदी में उसे कहते हैं उपवाक्य. ठीक है, उपवाक्य जो होते हैं एक सेंटेंस में एक, दो, तीन, कितने भी उपवाक्य हो सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, किसी में दो क्लॉज है, किसी में तीन क्लॉज है, किसी में एक क्लॉज है. वैसे हम लोग अलग छोटे छोटे वाक्यों को जब मिला के एक बड़ा वाक्य बनाते हैं तो उन्हीं छोटे वाक्यों को हम उपवाक्य कहते हैं, जिसको हम लोग क्लॉज भी कहते हैं. ठीक है, क्लॉज के दो प्रकार होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. उसी प्रकार सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम लोग आश्रित उपवाक्य और डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज की हमने परिभाषा देखी कि प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. उसे कंप्लीट होने के लिए या फिर मीनिंगफुल होने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, उसी प्रकार सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं. सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं अपने आप इनकम्प्लीट होते हैं और उन्हें कम्प्लीट होने के लिए और भी क्लॉज की जरूरत पड़ती है, और भी बाकी के सेंटेंस की जरूरत पड़ती है. ठीक है, इसी पे हमने देखे कि सबॉर्डिनेट जो मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, उसके कोई प्रकार नहीं होते क्योंकि वो अपने आप में कम्प्लीट होता है. लेकिन इसके जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज के हमें तीन प्रकार पाए जाते हैं. पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, इसके बाद हमने कई एग्जांपल्स के थ्रू उनको समझा. फिर हमने देखा कि एग्जाम में किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं. ठीक है, जैसे कि इनकम्प्लीट से आपको सेंटेंस देंगे, मेन क्लॉज देंगे, आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज यूज करना है. ओके, या फिर आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मेन कौन सा क्लॉज है, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि आपको मेन बताना है कि इसमें से सबॉर्डिनेट क्लॉज के कौन कौन से काइंड यूज किए गए, तो आप ऐसे बता सकते हैं. तो ये फिर हमारे दो ऐप का एग्जाम्पल वो दिए हैं होमवर्क में. ये होमवर्क के थ्रू बच्चों आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं. ठीक है, ये दो पेज आपको होमवर्क करना है, ये वाला और एक ये पेज वाला. आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा.